हाँ तो भाई, बैटमोंग जा रहे हैं मरी के बादलों से गुजरते हुए। क्योंकि मुजफ्फराबाद का काफ़ी टायरिंग सफ़र है, 3.5 घंटे के, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत है तो अब थक जाते हो। और जो सही बात है, मेरे इस वक्त कान बंद हुए। तो भाई अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ कोहाला, जो कि 2.5 घंटे के बाद आता है। इससे आगे घंटा और जो है मुजफ्फराबाद का सफ़र है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप कोहाला पे रुको, इधर रुक के मतलब जो सीन्स हैं वो इन्जॉय करो, क्योंकि काफ़ी ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं। और साथ ही हट्स पर बैठ के चाय पियो, पकौड़े खाओ, और फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद निकलने की करो। और हाँ, निकलते वक्त अपने नाम की ग्राफिटी भी कर लेना। मुजफ्फराबाद से बैटमोंग तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट का है, जिसमें 15-20 मिनट का जो सफ़र है वो कदरे बेहतर है। लेकिन आखिर में जो आपको 10 से 15 मिनट का जो सफ़र मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। अब भाई को अंडरएस्टिमेट नहीं करना आपने, क्योंकि मैंने शक्करपड़िया का ड्रैगन फ्लाई 5-6 दफ़ा लिया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा जेल में रुकवाया भी था। एक वो दिन था और एक कल रात का दिन था जब भाई ने अपना दिल पकड़ लिया था, क्योंकि हल्की सी रॉन्ग ड्राइविंग मैन्यूवर और साथ ही आपको इजीली एक्सेसिबल है कब्रिस्तान। लेकिन 10 मिनट्स की स्ट्रेसफुल ड्राइविंग से होने के बाद जब आप पहाड़ों में पहुंचते हो तो फिर सीन्स बड़े वर्थ इट होते हैं यार। बैटमोंग की एक्सप्लोरेशन के बाद वापस आके तैयार हुए, दिल के कमज़ोर अफराद को पिजारों में डाला और बाकियों को सिटी में। बैटमोंग को तो एक्सप्लोर कर ही लिया था, अब हम ड्राइव करके जा रहे थे चट्टे, वहाँ से आगे हाइक करने का प्लान बनाया ऑल द वे टू द टॉप, टू पीर साहब। घंटे की हाइक के बाद इधर हम पीर साहब पहुँचे, और इस जगह का पीर साहब नाम इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मज़ार है। तो अगर आपने ट्रेल 5 के हाइक की हुई है तो ये वाली हाइक भी आप इजीली कर सकते हो। ये जो 2005 में जलजला हुआ था ना, जी, तो ये उसमें पूरा पहाड़ नीचे आया। अच्छा, वो जो कट लगा हुआ है, ये जो रॉक टाइप सा लग रहा है। और वो सामने जो है पूरा मुजफ्फराबाद है। ये शॉर्ट वीलॉग के उन शॉर्ट्स में शुमार होता है जिसका मेन कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा शॉट है इसलिए डालना पड़ेगा।
अरहम मियाँ के खूब मज़े थे। इधर हम हाइकिंग कर रहे थे और उधर अरहम ने अपनी सवारियाँ ढूंढ रखी थी। ऐसे जैसे किसी फाइव स्टार होटल में सोया हूँ। हिंको जबान में एक जानवर को कुशी के नाम से जाना जाता है, जो इस अखरोट के शेल को पहले काटती है और फिर उसमें से अखरोट निकालती है। इसको आपका भाई आजा सोमिनियर घर लेके जा रहे हैं। और ये है जॉक का कांटा भी, कितना बड़ा है। पीर साहिब से हम हाइकिंग करते हुए जूड़े की गली निकल आए। इफ़ यू आर 80s किड, आपने शायद 1994 में पीटीवी पे एक ड्रामा देखा होगा अंगार वादी के नाम से। उस ड्रामा की शूटिंग यहाँ की गई थी। बाय द वे आई एम अ 90s किड। इधर के रहने वाले बहुत इंडिपेंडेंट हैं। वॉलनट्स, ब्लैक पेरीज, माल मवेशी, सेब। मैं तो सोच रहा हूँ इधर ही शिफ्ट हो जाऊँ। उतरते वक्त जो है ना मुश्किल हुई है, क्योंकि रास्ता नहीं बना हुआ, बहुत जो है ना पतला पतला रास्ता है और बहुत स्टीप है। दोबारा बोल रहा हूँ भाई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये वाकई में टफ है। ये देखो, जो लोग यहाँ पे नहीं आए वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये मेरा मैसेज है, यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और हम लोग कोशिश करेंगे जैसे वकास भाई एंड फैमिली को इन्जॉय कराया है, ऐसे जो भी लोग ये यहाँ आएंगे उनको हम भरपूर इन्जॉय करा सकते हैं। आप वकास भाई से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। थैंक यू सो मच। अच्छा तो भाई तीसरा दिन है आज, तो अभी हम निकलने लगे हैं बटमोंग से। तो अभी आज के क्या प्लान है सुबह भाई, मतलब आज हम बटमोंग से निकल के कहाँ जाएंगे? आज अभी हम बटमोंग से निकलेंगे, हम नीलम वाली साइड पे तकरीबन नुसद्दा के मुकाम पे एक डैम है और एक फेमस रेन वो वाटरफॉल भी है। ठीक, तो हम वहाँ जाएंगे। रास्ते में कुछ जगह हैं जहाँ पे हम रुकेंगे और टिक्का में जैसे मैंने आपसे रात से कुछ बात की थी कि वहाँ के टिक्के जो हैं वो एक मतलब टेस्टी हैं, तो हम वहाँ पर कुछ टिक्के जो हैं वो ट्राई करेंगे। ठीक होगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज हम वापस जाएंगे इस्लामाबाद। इस वक्त हम धनी एक्शार आ गए और इस जगह की सबसे खसूसी बात यह है कि ये इंडियन बॉर्डर से खाली 1 किलोमीटर और अभी इस पर एक्सेस इस वजह से क्योंकि पीछे पहाड़ है तो इतना खतरा नहीं, लेकिन चेक करें यार। जो रोड नीलम वैली की तरफ जाती है वहाँ बेसिकली हम बीच में एक स्टॉप पे उतरे हैं और सामने जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। प्यारी जगह है लेकिन बहुत खामोशी सी है। और ये इंडियन चेक पोस्ट है, होपफुली शायद कैमरा में आपको नज़र आ रही हो, और सामने जो है वो इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है उसके चेक पोस्ट पे। अब यहाँ पे आपका भाई बैठ के इन फ्रंट ऑफ इंडियन चेक पोस्ट चाय पिएगा और चाय पीने के बाद हम वापस निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ।
ٹریولنگ آپ کو بہت سے مواقع دیتی ہے، جیسے مختلف لوگوں سے ملاقات، ان سے دوستی کرنے کا موقع، خدا کو جاننے کا موقع، یا پھر شاید جینا۔ بیٹمانگ کا ایکسپیرینس شاید میں لفظوں میں تو بیان نہ کر پاؤں، بٹ اف آئی گیٹ اے چانس ٹو گو دیئر اگین آئی وڈ۔ بائے بائے انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو، سی یو سون۔